नमस्कार मित्रों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में वृश्चिक राशि वालों, देवों के देव भगवान महादेव जी का बहुत बड़ा आदेश आ गया है। अब कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन नहीं रुकेगा। जी हाँ, और यह बात लिख कर ले लो, आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाला है। दोस्तों, भगवान शिव शंकर जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं। अब आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होने का समय आ गया है, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और अगले 24 घंटे के भीतर यह बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो तीन चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है, और यहां तक अपने परिवार से भी दूर होना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप सावधान हो जाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आने वाला है। अब आपको कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान एक मौका सबको देते हैं, और अब वह मौका भगवान शिव शंकर जी आपको देने वाले हैं। जी हां, वह भी आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर हेमा का आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी किस्मत की रफ्तार देखकर अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाला है, इसे कर दो। आपके दुश्मनों को 440 वोल्ट का झटका तो लगना ही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आने वाले समय में भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से धन दौलत से मालामाल होने वाले हैं। दोस्तों, भगवान शिव शंकर जी आपके ऊपर अति प्रसन्न हो चुके हैं, इसलिए आपकी अब सभी मनोकामना पूर्ण होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब आपको लाखों करोड़ों का लाभ होने वाला है, और आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। इतना अच्छा महाभाग्यशाली समय आपके लिए साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके घर में जो तिजोरी है, अब वह पैसों से भर जाएगा। लोग चाहकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में भगवान शिव शंकर जी का निराला खेल होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 जगहों से भारी धन लाभ होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अचानक होगा बहुत बड़ा उलटफेर, आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, आज की है वीडियो, जो पूरा कंप्लीट देखेगा उसी को मिलेगा ये धन और ये खुशखबरी, और जो वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह तो पछताते ही रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि आपकी राशि वालों के ऊपर एक बहुत बड़े देवता अति प्रसन्न अति मेहरबान हो चुके हैं, और जब किसी के ऊपर यह देवता अति प्रसन्न होते हैं तो जिंदगी भिखारी से मां भिखारी को भी राजा बना देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन भी होंगे, बड़े बड़े बदलाव भी होंगे, सभी सोचे हुए सपने भी साकार होंगे। इतना शुभ और महाभाग्यशाली समय आपके जीवन में आ चुका है। दोस्तों, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्यमान योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग, धन योग, जैसे अनेकों योग बने हैं। दोस्तों, इसलिए यह जो समय है बहुत ही शुभ और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। आपकी एक भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। दोस्तों, यह वह समय होगा जब आप स्वयं महसूस करेंगे, खुद आपको एहसास होगा कि हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे हमारे जिंदगी में परिवर्तन हो रहे हैं, और हमें वह सब सुख मिल रहा है जी सुख का काफी लंबे समय से हमें तलाश थी। दोस्तों, भगवान आपकी भाग्य का दरवाजा खोल दिया है, और भगवान ने आपको एक मौका और दिया है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपने जीवन में सफल होने का। दोस्तों, आपको मूर्ख वाली गलती नहीं करनी है, और ना ही कुछ ऐसा कांड करना है जिससे आपके जीवन में ही दुख आए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसा योग आपकी कुंडली में बना है। अब आपके ऊपर भगवान शिव शंकर जी का कृपा बरस रही है, इसलिए अब आपको सभी क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, करियर कारोबार, बिजनेस व्यापार, प्रेम संबंधों के मामले में, या शिक्षा से जुड़ी कोई अन्य समस्या हो,
अब आपकी सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ है कि अगले इन 24 घंटे के भीतर आपको एक गुप्त जगहों से भारी मात्रा में धन भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो भाग्य उदय का समय है, यही वह समय है जिस समय का आप काफी वर्षों से इंतजार कर रहे थे, तो ईश्वर ने वह समय अब आपको दे दिया है। अब आप इस समय को सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो, यह आप पर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप एकदम शांत रहना बेटा, शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि लोग परेशान करने के लिए आपके पीछे पड़ेंगे। अब तक जो आपके दोस्त थे वही लोग आपका दुश्मन बनने वाला है, और आप अपने जीवन में अब कुछ इस प्रकार से तरक्की करने वाले हैं कि आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होगी, और फिर लोग लग जाएंगे आपको नीचे गिराने में। हम आपको सावधानियां भी बताएंगे कि किस तरह से आपको उन लोगों से दूरी बनाकर चलनी है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इस सब को याद रखते हैं। खाने का तात्पर्य है आप किसी के लिए कितने अच्छे हैं। अगर पता करनी है तो आप उनका एक बात ना मन कर देखिए, लोग तुरंत भूल जाएंगे कि आप उनके लिए क्या किए थे। इसलिए किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता है। भरोसा सबके ऊपर करिए, लेकिन उम्मीद किसी के ऊपर मत रखिए। आत्मनिर्भर बनिए, जो भी करना है आप ही को करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आपको हर एक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। आपके सभी रुके हुए कार्य बन रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, कहां कहां से आपको धन लाभ होगा, कौन कौन से कार्य बनेंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से धन लाभ की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, कौन से कार्य करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे, सभी ए टू जेड जानकारियां इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लगाइएगा। यदि आप धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो आप उनका अनादर ना करें, प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, जानकारियां बेहद ही खास हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी संकटों का विनाश होगा। जी हाँ, काफी खुशहाली भरा समय रहने वाला है और बहुत बड़ा टहलका मचने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे जीवन में परेशानियां यूं ही बेवजह नहीं आते हैं। परेशानियों को हमारे जीवन में आना भी एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब आपके जीवन में सबसे कठिन समय चल रहा होता है तो वह आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी धैर्य की क्षमता ले रहा होता है, और अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो दोस्तों आप भगवान की कृपा की पात्र बनते हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठीक ऐसी ही स्थिति आपके जीवन में पिछले समय अवधि में देखने को मिली है। 7.5 के प्रथम शरण में भगवान शनिदेव जी के द्वारा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ली जा रही थी। शनि 7.5 की समय अवधि को जीवन में परीक्षा का काल माना जाता है, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि इम्तिहान का समय माना जाता है। और पिछले समय अवधि में अपने 7.5 के चरण को देखा है, अपने अपने जीवन में कई प्रकार के कई तरह की चुनौतियों आपको सामना करना पड़ा, कई तरह की मुश्किलें आपके जीवन में लगातार बनी रही, एक परेशानी से आपको छुटकारा मिली नहीं, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन में आज खड़ी हो जाती थी। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आपके जीवन में मुसीबतें लगातार आते ही रहते थे, आपके सभी कार्य बिगड़ रहे थे, नौकरी में भी आपको कई प्रकार के परेशानियों का समस्याओं का सामना करना पड़ा है, हर तरह के संघर्ष और कठिनाइयों भारी दूर से आप लोग गुजर रहे थे, और वह जो समय था वह समय आपके लिए परीक्षा का समय था। देखिए दोस्तों,
अपने अपने जीवन में निरंतर प्रयास किया है, निरंतर डटकर कड़ी मेहनत का सामना किया है और पिछले समय अवधि में यह भी देखने को मिला है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं मिला। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय अवधि आपके जीवन में आने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, बहुत ही लाभकारी और शुभ समय साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप भगवान की कृपा का पात्र बन चुके हैं, पर अपने अपने जीवन काल से सभी दुखों को पार कर लिया है, आपको सभी मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। अब आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ोगे क्योंकि आपके जीवन की सभी कांटे दूर हो गए हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जल्द ही आपके जीवन में एक ऐसा सुनहरा समय भी आने वाला है और यह वह समय होगा जिसके लिए, जिस समय के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। जी हां, अब आपके जीवन में काफी बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और काफी बेहतर रिजल्ट आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और थोड़ा सा समय देना होगा। सभी जानकारियां विस्तार से देने के चलते ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, यह आपके भले के लिए ही है और आपके फायदे के लिए ही होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप आने वाले समय अवधि में काफी बेहतर और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य भी बनने वाले हैं, आपकी समस्त मनोकामना भी पूरी होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप अपने कार्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे और आपकी वही प्रयास अब रंग लाने वाली है। जी हां, कहते हैं ना कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है, क्योंकि आपकी मेहनत का जो फल है वह ईश्वर देते हैं और उनके हिसाब किताब में कभी गड़बड़ी नहीं होती है। भले थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय आपका काफी अच्छा चलेगा। अगर आप नौकरी पैसा के जातक हैं तो फिर आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। आपके करियर कारोबार में सुधार होगा और जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं और घर से दूर रहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन थोड़ी परेशानी रहेगी क्योंकि परेशानियां अभी भी आपके जीवन में दिख रही हैं, क्योंकि जो मुसीबत एक बार आ जाती है उसे दूर होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक वैसे ही हो रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की और घबराने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ सही होगा। और यह बात मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं, जो कि 1% गलत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अब आपको अपने तरक्की में एक और नया उछाल देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब आप तेज गति से प्रगति करते नजर आओगे। देखिए दोस्तों, यदि आप नौकरी पैसा के जातक हैं तो प्राइवेट क्षेत्र में बेहद ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सब जगह आपके कार्य की प्रशंसा होने वाली है। और भी कई बड़े बदलाव, कई बड़ी खुशखबरी आपको आगे मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से, शांति मन से अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में उपाय है, उपाय आप लेकर ही जाएगा, क्योंकि यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इन अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो, इसलिए इस समय अवधि में अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दिल खोलकर कर सकते हैं, क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए लाभ दिलाने वाला समय रहने वाला है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इस समय अवधि में बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन क्षेत्रों से भी अब आपको लाभ होने वाला है और सफलता मिलने वाली है, जिन क्षेत्रों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के असीम आशीर्वाद से यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, तब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ और बहुत बड़ी गुप्त खबर सुनाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं
अगले 24 घंटे का महाराशिफल किस प्रकार से अगले इन 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी धन दौलत से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपकी वह सभी समस्या समाप्त होने वाली है और आपको अपने जीवन काल में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सभी समस्याओं का अब अंत होगा। जी हां, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी अंत करने वाले हैं। दोस्तों, पूरे घर में ताला लगा देना और किसी कोने में एकांत जगह बैठकर एकदम अकेले में ही वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह खुशखबरी सबको हिलाकर रख देने वाले हैं। जी हां, क्योंकि ऐसी खुशखबरी सबको नहीं मिलता है, बहुत खुश नसीब वालों को ऐसा सुनहरा मौका मिलता है। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, तभी तो यह खुशखबरी आपको मिल रहा है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पूरा जीवन भर खून की आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है जो कि खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु जी आपके घर पर आने वाले हैं और आपके घर पर दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वह भागकर आपके पास आने वाला है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु जी ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है। इस संदेश सरते आपको मेहनत करना होगा। इस समय में आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, आपको उतना ही ज्यादा लाभ हो जाएगा। मैं आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है, क्या सरप्राइज है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो शुभ संदेश आपको मिलने वाला है, यह संदेश किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो कुछ आपको मिलने वाला है वह सब आप गंवा सकते हैं और आपके सारे सपनों पर पानी फिर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यह खुशखबरी आपको मिले, यह शुभ संदेश आपको प्राप्त हो और भगवान ब्रह्मा विष्णु जी जो संदेश आपको देने वाले हैं यह आप ही को मिले, तो वीडियो को बिल्कुल अकेले में बंद कमरे में ही फंसाने वाले अगजो ले 24 घंटे के अंदर आप धन दौलत से मालामाल हो जाओगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर आपको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है और आप अपनी जिंदगी को राव जाओं की तरह जीने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में जितने ही ज्यादा दुख तकलीफ और परेशानी झेली हैं, अब उतना ही ज्यादा सी लाभ और खुशखबरी मिलने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी गुप्त खबर और कौन कौन सी बड़ी खबर आपको पता चलने वाली है, इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो में दिया गया है, जिससे आपको भी बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे समय आप बहुत ज्यादा क्रोधित भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं और मन ही मन आप यह सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार मुझे किस कर्मों का सजा मिल रही है, हमने अपने जीवन में ऐसी कौन से कर्म किए हैं जिनका दुख हमें भोगना पड़ रहा है और उनका कर्ज चुकाना पड़ रहा है। यही सब सोच सोच कर आप हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं, डिमोटिवेट रहते हैं और आपके दुश्मन किसी चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं, जितना उनका मन करता है उतना वे लोग जमकर उनका फायदा उठाते हैं। दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि आपके जीवन में दुखों का अंबार लगा हो, आपके जीवन में समस्या एक नहीं बल्कि कई सारे समस्याएं हैं, लेकिन अब आपकी वह सभी समस्या महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। जी हां, अब आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा और उनका अंत महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार और अपने जीवन में चल रहे सभी दुखों का विनाश करने के लिए, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है, यदि रात है तो दिन भी आएगा और दिन है तो रात भी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता रही सर्दियों में जी सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में इस सूरज का तिरस्कार होता है। तो दोस्तों, यह बातें हैं समझने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए। इस धरती पर अनेकों प्रकार के लोग हैं और लोगों के जीवन में कई अनेकों प्रकार के दुख दर्द हैं, एक से बढ़कर एक परेशानी है,
लेकिन परेशानियों के बारे में दिन रात सोचकर खाली बैठने से परेशानियों का अंत नहीं होता है। जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन आपका भी समय आएगा और वह समय बहुत नजदीक आ चुका है। दोस्तों, यहां तक भगवान भी आपकी दुख तकलीफ को सहन नहीं कर पा रहे थे। महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी से आपकी दुख अच्छी नहीं जा रही है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर यह विचार किया और प्लान बनाया है कि अब आपकी राशि वालों को दुख नहीं सुख मिलेगा, क्योंकि अब आप सभी के जीवन काल में सुखों का आगमन होने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस समय में कौन से कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी, किस समय में कौन से कार्य करने से नुकसान होगी, उन कार्यों से हमें दूर रहना है और हमारा ध्यान, हमारा मेहनत केवल उन कार्यों पर फोकस करनी है जिन कार्यों को करने से आपका भाग्य उदय होगा और आपके जीवन की एक नई खुशी, एक नई उमंग मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखना। देखिए दोस्तों, जानकारियां आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपका दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार से आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किस प्रकार से आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन होगी और किस प्रकार से नए कामों में सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको इन दो मुख्य बातों को विशेष ध्यान में रखना होगा और यह दो कार्य न ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको बेवजह परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एक खुशहाल जीवन हो और हमें वह सभी सुख सुविधा प्राप्त हो जिनकी हमें जरूरत है, लेकिन उसके लिए मेहनत और प्रयास कोई नहीं करना चाहता है। जबकि यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना मेहनत, बिना प्रयास इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है और कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर भी यह बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन से दो बड़े कार्य नहीं करना है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती है और क्रोध, अशांत मन से समस्या का समाधान भी नहीं मिलता है, इसलिए मुश्किल समय में, दुख के घड़ी में परेशान होने की बजाय खुद को शांत रखने का प्रयास करें। दिमाग को ठंडा रखें, दिमाग को शांत रखें, क्योंकि मुश्किल समय में, दुख के घड़ी में परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। शांति मन से ठंडे दिमाग का प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, जो जितना शांत रहता है वह उतना मजबूत होता है। जिस प्रकार से लोहा जब गर्म रहता है तब उस लोहे को किसी भी आकार में मोड़ सकते हो, वैसे ही अगर आप गम रहोगे तो लोग आपको किसी भी रूप में मोड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से और गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से इंसान बहुत बड़े खतरों से बच सकता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा, गुरुजी आपने एकदम सही कहा। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि मजाक और पैसा बहुत ही सोच समझ कर उड़ाना चाहिए, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपना एक देखोगे तो मुश्किल है, हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बाद ही खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। किसी को भनक तक लगे मत देना कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि यह दुनिया साथ देने के लिए नहीं बल्कि साथ छोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए किसी के भी ऊपर भरोसा मत करिए, खुद पर भरोसा रखिए और जमकर मेहनत करिए। ग्रह गोचर का पूर्ण सपोर्ट, सहयोग आपके ऊपर है। मंगल ग्रह का भी सहयोग आपके ऊपर है। गुरु बुध और यहां तक शुक्र अपने अपने भाव में चल रहे हैं, इसलिए इस समय अवधि में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जी हां, कई सारे लाभ के मौके आएंगे और कई बड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। सभी मौके का जमकर स्वागत करें और उनका लाभ उठाएं, यही आपके हाथ में है। बाकी सब परमात्मा के हाथ में रहेगा। आपसे जितना होता है उतना करिए। आगे करने के लिए ऊपर वाला ईश्वर है, माता पिता का फूल सहयोग रहेगा और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करोगे।
आपकी जीवन की सभी इच्छा पूरी हो जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना आपकी किस्मत को स्वर देगी, आपकी जिंदगी को बदल देगी। जी हाँ, और आपके साथ बुरा चाहने वालों का मौत का घाट उतार देंगे। यह शनि और मंगल ग्रह, जी हाँ, आधिकारिक पदों पर बैठे लोग अतीत की व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आपके काम में देरी कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसका असर न केवल वर्तमान घटनाओं पर बल्कि आपके भविष्य के उपक्रमों पर भी पड़ेगा। इस समय बस अपने घरेलू सुख का आनंद लें और इससे आप में अधिक उत्साह पैदा होगा। आज आपके व्यवहार में स्वास्थ्य, खुशी और तंदुरुस्ती की भावना देखी जा सकती है। आप सभी के प्रति उदार महसूस करेंगे और अपने खुशनुमा मूड को दूसरों के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। यह आपको भीड़ में लोकप्रिय बनाएगा। आपकी खुशमिजाजी, मन की शक्ति, हास्य की भावना और सामान्य खुशहाली से आपके आसपास के लोग ईर्ष्या करेंगे। इस समय आपकी लव लाइफ में ठहराव है, इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और सतर्क हों। इससे आपको पता चलेगा कि जीवन में पार्टनर के साथ रहने के अलावा भी बहुत कुछ करना है। अगर आप अभी पूरी तरह से सिंगल हैं, तो आप अपने जीवन में किसी नए व्यक्ति का स्वागत करने के लिए नए नए टिप्स जुटा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में काम से जुड़े सभी मामलों में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इस वजह से आप में अति आत्मविश्वास पैदा होने की संभावना है। आज यह जरूरी है कि आप एक कदम पीछे हटें और मूल्यांकन करें कि आपके लिए वास्तव में क्या जरूरी है और आप अपनी क्षमता से क्या हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा न करें। खुद के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि यही एकमात्र कदम है जो हर परिस्थिति में आपकी मदद कर सकता है। दूसरों की खातिर अपनी इच्छाओं का त्याग करने के बजाय अपनी पसंद की चीज चुनने में संकोच न करें। आप यह तय करने में भ्रमित हो सकते हैं कि कहां से शुरुआत करें, इसलिए बस उन सभी चीजों को प्राथमिकता दें जिनके बारे में आप निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप त्वचा और दांतों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। अपने आहार में भरपूर मात्रा में फल, हरी सब्जियां, दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल करें। एलर्जी भी हो सकती है और यह समय सभी एलर्जी से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने का है। अपने स्वास्थ्य और सुंदरता को बनाए रखने के लिए उचित आहार और विश्राम व्यायाम आवश्यक हैं। अगर आप अपने प्रियतम के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने का सपना देख रहे हैं, तो आज आपके लिए यह अच्छा मौका है। अपने घर की चार दीवारी में या फिर प्रकृति के करीब कहीं साथ मिलकर दिन का आनंद लें। हल्की रोशनी, खुशबू और मुलायम पर्दे रोमांस की तीव्रता को बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहते। ऐसा करें, आज आप खूब मौज मस्ती करेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो आपको एक रोमांचक करियर अवसर प्रदान करेगा। हालांकि यह मुफ्त नहीं मिलता है और आपको इसे स्वीकार करने से पहले परिणामों के बारे में लंबे समय तक और गहराई से सोचने की जरूरत है। यह आपके आसपास के कई लोगों को भी प्रभावित करेगा, लेकिन यह दिन ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा नहीं है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी, वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। आपको और आपके पार्टनर को एक साथ अच्छा समय बिताए हुए काफी समय बीत गया है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकते हैं। इससे उन्हें आपके प्यार और देखभाल का अंदाजा भी हो जाएगा। आज आपके मालिक केवल वे सुनेंगे जो वे सुनना चाहते हैं और यह स्थिति स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने से आपको रोकती है। आपके सहयोगियों ने ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह से आपका समर्थन किया है
और ये समय उन लोगों से प्राप्त हुई मदद की सराहना करने का समय है। जब आपके मालिक का मन स्थिर होगा तब आपके धन प्राप्ति के योग है। आपने अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं और आप इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा और इससे आपको थोड़ी निराशा होगी। आपको लक्ष्य तय करने से पहले अपनी क्षमताएं ध्यान में रखनी होंगी। समय कोई बद्धा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। आप में अपने करीबियों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने तक की भावना है। इस भावनात्मक जोश की ऊर्जा को खुद अपने शरीर के भले के लिए प्रयोग भी करके देखें, क्योंकि इसे भी तो आपके प्रिय की सूची में आना चाहिए। अपनी सब जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर के प्रति प्यार जाहिर करने का यही एक तरीका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आपके पास करीबियों को अर्पण करने के लिए जीवन भी नहीं होगा। आज का दिन अपने रिश्तों की खटास और कड़वाहट को कम और सही करने का है, लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता एक उथल पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ेगा। आज आपका साथी अपना मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। आप अपनी किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के किसी एक पहलू पर पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रहे। आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने अस्वीकार का जो सुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ है वो आज टूट जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा। यह आपकी सेहत की बेहतरी के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूरी कदम उठा पाएंगे। आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी मदद मिलेगी। अब आप बेजान हो चुके संबंधों से बाहर निकलकर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तैयार पाएंगे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है और निर्णायक निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे हैं। बहरहाल आज आपको दृष्टि की एक दुर्लभ स्पष्टता का अनुभव होगा और आप अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपको किसी से अच्छी करियर सलाह मिलने की भी संभावना है। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावना है जो आपके भविष्य के करियर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे, किंतु अनावश्यक खर्च ना करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग खुद को फिट और स्वस्थ रखने के प्रयासों में करें। हर रोज नियमित और सही तरीके से एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बनाएं। इस बारे में समर्पित रहें और टालमटोल न करें। आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ी देगी, इसीलिए अपने रूटीन स्वास्थ्य संबंधी अपनी आदतों पर खास ध्यान दें। आप जहां कहीं भी जाते हैं आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था। यह तो कहां ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। उन बातों के लिए अपना मन दुखी न करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दें जैसी वे हैं। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है
अंत सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव न पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसा कि अपने वादा करते वक्त कहा था। आपने किसी परियोजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और आपको अब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि के साथ साथ आपके दृढ़ संकल्प और प्रयास भी रंग लाए हैं। आप कुछ नए बदलाव करना चाह रहे हैं लेकिन वित्तीय बाधाएं हैं। आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने के सृजनात्मक तरीके खोज लेंगे। आज ऑफिस के काम के दबाव से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। सोने जाने से पहले थोड़ा ध्यान लगाएं और खुद को शांत मनोदशा में रखें। आप धीमे और मधुर गाने सुनना चाहेंगे। कमरे में अंधेरा रखें और तापमान भी ठीक रखें ताकि अच्छी नींद ले पाएं। सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पिए। आज का दिन तीव्र भावनाओं के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी मांगें तो बढ़ ही हैं, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं की शक्ति और उनकी सहायता को काफी कम करके आंका है। अगर आप अपने रिश्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे आपके पार्टनर की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। आज के समय का उपयोग अपने संबंध में थोड़े भावनात्मक होने के लिए करें। आज एक नई नौकरी की पेशकश आपके रास्ते में आने की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छे अवसर है। आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हो सकता है कि मौजूदा नौकरी में आप संतुष्ट हों, लेकिन नई नौकरी बेजोड़ अवसरों को अपने साथ लाएगी। यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने में ये कदम काफी कारगर साबित होगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है। उपाय की अगर खास उपाय की बात करें तो उपाय है, अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियां और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और जहां माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं वहां पर धन की वर्षा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की एक और भी चमत्कारिक उपाय है, भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी निकाल दें, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी जी खुश होते हैं। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।